हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एयरफोर्स और नेवी का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है प्रीफर, PREFER, जिसका हिंदी होता है ज़्यादा पसंद करना, और आपको इसका सिनोनिम बताना है यानी पर्यायवाची। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लव, क्रिटिसाइज, लाइक और लाइक मोर। कई बच्चे जल्दी में रहेंगे और वो सी लगा सकते हैं, लेकिन सी होगा नहीं, क्योंकि लाइक का मतलब सिर्फ होता है पसंद करना, और हमारा प्रश्न तो प्रीफर है, ज़्यादा पसंद करना। लव भी नहीं होगा, क्योंकि लव मैंने प्रेम करना होता है, क्रिटिसाइज मैंने आलोचना करना। तो आंसर होगा डी, लाइक मोर, लाइक मैंने पसंद करना और मोर मैंने ज़्यादा, यानी ज़्यादा पसंद करना। प्रीफर का मतलब ज़्यादा पसंद करना और लाइक मोर का भी मतलब है ज़्यादा पसंद करना। अगला प्रश्न है मच, इसका एंटोनिम बताना है यानी विलोम। चार ऑप्शंस हैं, इनफ, लेस, मोर, लिटिल। मच का हिंदी होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इनफ तो होगा नहीं, क्योंकि इनफ का मतलब पर्याप्त। सी भी नहीं होगा, क्योंकि मोर का भी मतलब होता है ज़्यादा, और हमें तो उल्टा बताना है यानी विलोम। अब रहा लेस और लिटिल, इसमें ज़रा कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को। दोस्तों मच जो है, आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, उसमें डिग्रीज पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। मच, मोर, मोस्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। दरअसल दोस्तों मच जो है वो PDA है, यानी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो इसका जो विलोम भी होगा वो कुछ ऐसा ही होगा जो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, मच का हिंदी होता है बहुत ज़्यादा, इसका उल्टा होगा बहुत कम, नहीं के बराबर। और लिटिल, लेस, लीस्ट, ये आपने पढ़ा होगा, लिटिल, लेस, लीस्ट। इसमें जो लेस है वो तो CDA है, कंपैरेटिव है, और हमारा मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए लेस तो नहीं होने वाला है। लिटिल चूँकि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, मच भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और इसका विलोम बताना है हमें। तो मच मैंने ज़्यादा, तो लिटिल मैंने बहुत कम, नहीं के बराबर। डी होगा आंसर इसका दोस्तों। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा। मेनी अ मैन डैश डन सो। पहली बात तो दोस्तों थोड़ा सा ही अजीब लगेगा आपको, मेनी अ मैन, आपने अक्सर सुना होगा मेनी मैन, मेनी बॉयज़, मेनी गर्ल्स। दरअसल मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन मेनी के बाद अगर ए या एन आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, और वर्ब भी सिंगुलर लगता है। दोस्तों चूंकि इस सेंटेंस में डन वर्ब दिया है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आपको पता होगा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैज़ हैव आता है, तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि कैन के बाद तो वी वन आता है, और आर भी नहीं होगा यहाँ पर, चूँकि V3 और V3 के पहले हैज़ या हैव आता है। तो दोस्तों मैं आपको एक रूल बता दूँ कि मेनी प्लस AN प्लस सिंगुलर नाउन अगर आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है, आपने पढ़ा होगा। वैसे हिंदी इसकी मैं बता दूं, मेनी अ मैन की हिंदी कई लोग ये सोचेंगे कि बहुत व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, बल्कि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, मेनी अ मैन का हिंदी होता है अनेक व्यक्ति, फिर भी ये अपवाद है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, हैव तो होगा नहीं, क्योंकि हैव प्लूरल नाउन के साथ लगता है, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है सिंगुलर में आता है, इसलिए आंसर होगा सी, मेनी अ मैन हैज़ डन सो, अनेकों व्यक्तियों ने यह काम किया है, सो मैंने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है प्रीपोजिशन से जुड़ा प्रश्न है, डिस्पाइट डैश मच एफर्ट ही कुड नॉट गेट वॉट ही वॉन्टेड। डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इन स्पाइट ऑफ, इसका भी हिंदी होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्पाइट वर्ड है, और डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। कई लोग, अधिकतर ये प्रश्न आपको दिखेगा बैंक एग्ज़ाम्स में, SSC के एग्ज़ाम्स में, और कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम्स में आपको ये दिख जाएगा, डिस्पाइट के बाद अक्सर ऑफ लगा के देता है, जबकि ये होता नहीं है। डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है दोस्तों। तो डिस्पाइट मच एफर्ट, एफर्ट मैंने प्रयास, तो मच मैंने बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा प्रयास के बावजूद ही कुड नॉट गेट, वह नहीं पा सका वॉट जो ही वॉन्टेड, वह चाहता था। अगला प्रश्न है फ्रेजल वर्ब्स से जुड़े प्रश्न है, पब्लिक इज डैश द इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, कॉल फॉर का मतलब मांग करना, लीव फॉर रवाना होना, पुट ऑन पहनना, और कॉल अप मतलब होता है फोन करना। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन है, मैटर है, पब्लिक है, तो मैटर में इन्वेस्टिगेशन मैंने जांच की मांग करती है भाई पब्लिक,
जब कोई भी मैटर होता है तो पब्लिक कई बार उग्र हो जाती है और कहती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो मांग करती है। तो आंसर होगा दोस्तों ए, पब्लिक जो है वो मांग कर रही है इन्वेस्टिगेशन का इन दिस मैटर, इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की मांग कर रही है। अगला प्रश्न है, ही इज़ डैश एयर। दोस्तों पहले तो ध्यान देना हमें, किसे आप हेयर मत पढ़ दीजिएगा, ये एयर है, एयर, ए से एड़ी वाला जो कि स्वर है और छोटी बड़ी ई में आता है ए, एयर। तो ही इज़ एयर टू माई थ्रोन, वह मेरे थ्रोन यानी सिंहासन का उत्तराधिकारी है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो दोस्तों चूंकि हमारा जो वर्ड है एयर, भले अंग्रेजी में एच से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण जो है वो स्वर से है ए, इसलिए दोस्तों हमारा इसके पहले लगाना होगा एन, एन एयर टू माई थ्रोन। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में ये रूल कि अगर किसी शब्द का उच्चारण स्वर से हो तो उसमें एन का प्रयोग होता है, तो वह उत्तराधिकारी है मेरे सिंहासन का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विच वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा, ऐसा नाम जिसे भाव का बोध हो, जिसे हम छू ना सके, देख ना सके, सिर्फ महसूस होता है वो। चार ऑप्शन है, हंग्री, थर्स्टी, लेजीनेस एंड फेमस। दोस्तों कन्फ्यूज़न तो होगा ही लेकिन बता दूं मैं आपको, हंग्री एडजेक्टिव है, ये इसका आंसर नहीं होगा। हंग्री का मतलब होता है भूखा, भूखा किसी व्यक्ति का विशेषता बताता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। या ऐसे समझ लो कि किसी भी नाउन के पहले अगर कोई शब्द आए और बोलने में वो अच्छा लगे तो वो एडजेक्टिव होता है, जैसे हंग्री मैन, हंग्री बॉय, भूखा आदमी, भूखा व्यक्ति। थर्स्टी भी एडजेक्टिव ही है, प्यासा, तो प्यासा कौआ, प्यासा आदमी, ये भी नहीं होने वाला आंसर। फेमस भी एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध आदमी, फेमस मैन, फेमस पर्सन, तो इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिस शब्द के अंत में एन ई डबल एस नेस लगा हो वो नाउन होते हैं, और चूंकि लेजीनेस का हिंदी होता है आलसपन, और आलसपन कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, ये सिर्फ महसूस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। कॉमन एरर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन एरर। ऑफ दिस टू बुक्स, हिंदी निकलेगा इन दो किताबों में से, दिस वन, यह वाला इज़ द कॉस्टलीएस्ट, यह वाला सबसे महंगा है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा डिग्रीज़ में, पीडीए, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। दोस्तों दो के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और कॉस्टलीस्ट यहाँ पे जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे कॉस्टलीस्ट नहीं होगा, कॉस्टलियर होगा, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट होता है दोस्तों। तो इन दोनों किताबों में से यह वाला ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली महंगा, कॉस्टलियर ज़्यादा महंगा, और कॉस्टलीस्ट सबसे ज़्यादा महंगा। अगर यहाँ पे दो की जगह तीन होता तो हम कॉस्टलीस्ट जरूर लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो ही है इसलिए यहाँ पे कॉस्टलियर होगा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, स्टे होम एंड सेव लाइव्स प्लीज़। कह रहा है कि घर में रहो, स्टे का मतलब रुकना होता है, एंड सेव और बचाओ लाइव्स, जीवनों को, प्लीज़ कृपया। दोस्तों आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। दोस्तों ये इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस पूछ रहा है, वर्ब से शुरू है, और आपने पढ़ा होगा कि वर्ब से शुरू हो अगर सेंटेंस वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनका पैसिव कई तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें को देखा जाए तो दोस्तों इसका ए तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि टू के बाद हमेशा भी वन आता है, यहाँ पे ईडी है तो इस हिसाब से तो कट गया। लेट से ये बनेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि लेट से बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इस सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बी भी नहीं होगा। सी, यू आर रिक्वेस्टेड डैट, दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड से जब पैसिव बनता है इसका तो दैट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे टू लगाना पड़ता है, तो सी भी नहीं होगा, आंसर होगा डी, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे होम, तुमसे निवेदन किया जाता है कि तुम घर में रुको एंड सेव लाइव्स, और जीवन को बचाओ, डी होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में दिया गया है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, उसने मुझसे कहा मे यू सक्सीड यानी तुम सफल हो जाओ, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसका ए तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो मे का माइट होता तो कुछ सोचते भी ये होगा नहीं। ही सेड टू मी दैट आई मे सक्सीड, ये भी नहीं होने वाला है क्योंकि सेड से शुरू है सेंटेंस तो आगे मे हो नहीं सकता, माइट होता तो कुछ सोचते भी, ये भी नहीं होगा। सी, ही विज्ड मी दैट आई माइट सक्सीड, एंड डी ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट आई माइट सक्सीड। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू को प्रेड, ब्लेस्ड,
कर्स्ड या विज्ड में बदल देते हैं, तो डी बी होगा नहीं, इसलिए आंसर होगा सी, ही विज्ड मी दैट आई माइट सक्सीड, उसने शुभकामना दिया मुझे कि मैं सफल हो जाऊं। अगला प्रश्न है विच वर्ड इज एडवर्ब, दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एडवर्ब कौन सा वर्ड है। मेन तो होगा नहीं क्योंकि मेन तो नाउन है। फेमस, जिस शब्द के अंत में ओ यू एस वो एडजेक्टिव होता है, ये भी नहीं होगा। लवली, दोस्तों लवली एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है प्यारा, प्यारा बच्चा, प्यारा आदमी, प्यारा घर, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। फास्ट, दरअसल फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट का फास्टली नहीं होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज़ दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। अगला प्रश्न है ए ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों को शेरों के झुंड को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर है प्राइड, पी आर आई डी ई, इसका हिंदी होता है शेरों का झुंड। इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट में हमारा जो प्रश्न है विशल इन द डार्क, विशल का हिंदी होता है दोस्तों सीटी बजाना, और इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरे में कोई सीटी कब बजाता है दोस्तों, अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि जब अंधेरा हो तो कोई डरता है, कोई भी इंसान उसमें डरता है, लेकिन जब वो सीटी बजाए इसका मतलब कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसको डर नहीं लग रहा है, वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, कूल है। तो विशल सीटी बजाना इन द डार्क, अंधेरे में, यानी ये दिखावा करना कि मैं डर नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना, टू बी अनअफ्रेड, अनअफ्रेड माने भयभीत न होना, तो भयभीत न होने का दिखावा करना विशल इन द डार्क कहलाता है दोस्तों, ये इडियम है। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको जो स्पेलिंग सही है वो बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम में मिलेगा आपको। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, इरेलेवेंट का हिंदी होता है असंबद्ध या बेमतलब का। दोस्तों अगला प्रश्न है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, द ताजमहल इज़ अ वर्ड सीइंग बिल्डिंग, इसका हिंदी है दोस्तों पहले आप जान लो। वर्ल्ड सीइंग का मतलब होता है देखने लायक, दरअसल ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे वर्ल्ड प्लेइंग खेलने लायक, वर्ल्ड रीडिंग पढ़ने लायक, वर्ल्ड डांसिंग नाचने लायक। और दोस्तों इसका कभी भी प्रयोग करते हैं किसी भी नाउन के पहले नहीं, नाउन के बाद। दरअसल देखो यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है और बिल्डिंग के पहले ही रख दिया ए वर्ल्ड सीइंग बिल्डिंग, देखने लायक बिल्डिंग, जबकि रूल ये होता है कि वर्ल्ड प्लस आईएनजी का प्रयोग कभी भी नाउन के बाद होता है। द ताजमहल इज होना चाहिए था दोस्तों, द ताजमहल इज़ अ बिल्डिंग वर्ल्ड सीइंग, देखने लायक, जैसे यह एक किताब है पढ़ने लायक, तो दिस इज़ अ वर्ल्ड रीडिंग बुक गलत होगा, दिस इज़ अ बुक वर्ल्ड रीडिंग ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों वर्ल्ड रीडिंग बाद में होना चाहिए और ऑप्शन देखो सी, द ताजमहल इज़ अ बिल्डिंग वर्ल्ड सीइंग, देखने लायक, ध्यान रखिएगा इस रूल को। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है कि दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, वह चीज़ जिसे अब सुधारा ना जा सके। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा, इसका आंसर है इनकरेजिबल, जिसका हिंदी होता है जिसको सुधारा ना जा सके। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आई डिड नॉट डैश देयर यस्टरडे, बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर आपको एग्ज़ाम्स में भी मिल जाएंगे, तो थैंक यू वेरी मच।